दोस्तों, आज हम आपको इसको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप अपने घर के जो ख़राब बल्ब हैं उन्हें किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एलईडी बल्ब हैं हमारे घर के, काफ़ी ज़्यादा जल गए हैं। ठीक है, तो मैंने ये आज एक नया काफिया देके आया हूँ और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये अपने घर के बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनमें से आपको चेक करवाता हूँ। ये इनमें से ज़्यादातर हमारे बल्ब जो सारे तकरीबन ख़राब हैं। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये होल्डर है। ठीक है, इसमें ये जो बल्ब लगा हुआ है, जो इसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो मैं ये बल्ब उतारने लगा हूँ। ठीक है, और आपको दिखाने लगा हूँ कि ये बल्ब बिल्कुल बेकार है, ख़राब हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस बल्ब को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। देखो, ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप किस तरह इस बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन सारे बल्ब ख़राब हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेना है और ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो नुक्स है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें जो नुक्स है, देखें ये सारी एलईडी ठीक हैं, इनमें से एक पे ना काला सा ना नुक्ता नुक्ते के बराबर निशान लगा हुआ है। ये देखें इन, ये बाकी सारी ठीक हैं, ये काला सा निशान लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये एलईडी हमारी जली हुई है। ठीक है, तो हमने पेचकस की मदद से इसे उखाड़ देना है। ठीक है, ये मेरे पास पेचकस है और इसकी मदद से हमने इसको उखाड़ देना है। ठीक है, देखें ये हमने उखाड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हमें काविया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे पास काविया है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने एक टांका लगा दूंगा इसके ऊपर, तो काफ़ी अभी थोड़ा ठंडा है, इसलिए ये मैं घर में ख़ुद रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बंदे को रिपेयर करते हुए देखा था, तो मैंने सोचा शायद मैं भी कर सकूँगा। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाऊँगा और आप भी इस तरह अपने घर के बल्ब रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसके हमने ऊपर टांका लगा देना है। ठीक है, आस्ता आस्ता से, मैंने कभी पहले काविया यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे यूज़ करना भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो बंदा आसानी से भी, कोई भी बंदा है ना, वो इसे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पीछे भी कुछ लगा भी नहीं हो लेकिन फिर भी लाइट ब्लिंक कर रही है इसकी, या इस तरह हमने इसके ऊपर एक टांका लगा देना है। ठीक है, तो ये मैंने एक टैंका लगा दिया है। इसके बाद हम इस बल्ब को चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं, और बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये बिजली को हाथ लगाना है। ठीक है, ये मेरा आपको मशवरा है। देखिए हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम, पहले जो बिल्कुल बंद था तो ये ठीक हो गया बिल्कुल। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने घर के कोई भी बल्ब को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये हमारा बल्ब बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे घर के ना काफ़ी ज़्यादा बल्ब जले हुए हैं। ठीक है, तो इनमें